हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हमें बात करने पा रहे हैं फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ, साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट दी कंपनी से हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी की डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पीए कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और शेयर प्राइस चार्ट भी देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोज के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी के प्रोफाइल की बात करें, सो ये कंपनी क्या है, फेब्रवरी 1996 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो फोर्टिस हेल्थ केयर जो कंपनी मेन क्या है, ये कंपनी जो है हेल्थ केयर स्पेशलिटी सर्विस प्रोवाइड करती अलग अलग कंट्रीज में, स्टेट में, टाउन्स में, अलग अलग स्टेट वाइज प्रोवाइड करती है क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी। एंड अभी के टाइम पे अगर हम कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो ये जो फोर्टिस हेल्थ केयर कंपनी का जो फर्स्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी जो स्टार्ट हुआ था, मीन्स ऑपरेट हुआ था, कहाँ पे, पंजाब में मोहाली में 2001 में हुई कंपनी का फर्स्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर जो स्टार्ट हुआ था। एंड अभी के टाइम पे देखा जाए फोर्टिस हेल्थ केयर जो कंपनी, ये इंडिया के लिए लीडिंग इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो मानी जाती है इंडिया की ही। एंड करंटली अगर आप देखें तो कंपनी जो ऑपरेट करती है क्या हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विस, कहाँ पे, इंडिया में, प्लस नेपाल में, प्लस दुबई में, प्लस श्रीलंका, मीन्स अलग अलग कंट्रीज में भी कंपनी के सर्विस प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर की। एंड अगर देखा जाए कंपनी के 36 कंपनी के हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं अलग अलग कंट्रीज में। एंड साथ में कंपनी के 4000 प्लस क्या कंपनी के ऑपरेशनल बेड्स हैं अगर देखे जाए तो। एंड फोर्टिस हेल्थ का जब अगर हम मेन कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात की जाए तो कंपनी का जो मेन बिजनेस सेगमेंट आता है वो हॉस्पिटल्स से प्लस डायग्नोस्टिक एंड डे केयर स्पेशलिटी फैसिलिटीज में आता है। एंड मेन जो कंपनी का फोर्टिस हेल्थ का जो कंपनी है, ये कंपनी का मेन कारोबार देखे तो डायग्नोस्टिक बिजनेस में है। डायग्नोस्टिक जो बिजनेस कौन सा मानता है, मेन जो फोर्टिस हेल्थ केयर की जो सब्सिडरीज है कौन सी, SRL लिमिटेड जो कंपनी है, किसकी, फोर्टिस हेल्थ केयर की, ये सब्सिडरीज है SRL। सो SRL जो कंपनी डायग्नोस्टिक बिजनेस संभालती, जहाँ पे फोर्टिस हेल्थ केयर का 57% का क्या आता है, बिजनेस आता है अगर देखा जाए तो। एंड ये जो है डायग्नोस्टिक की, ये लाइक लार्जेस्ट एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक चेन मानी जाती है ये कंपनी की। एंड अभी फिलहाल देखिए तो फोर्टिस हेल्थ का जो कंपनी है ये ओवर 600 सिटीज प्लस टाउन्स में क्या है प्रेजेंस है, प्लस जो है कंपनी के कितने लेबोरेटरीज कितने हैं, मीन्स जो लैब्स होते हैं कितने कंपनी के, 415 है कंपनी के क्या लैब्स हैं अगर देखा जाए अलग अलग कंट्रीज प्लस सिटीज में। प्लस अगर हम कंपनी के लाइक डायरेक्ट क्लाइंट्स की बात कीजिए, कंपनी के डायरेक्ट क्लाइंट्स कितने हैं, 8200। प्लस कंपनी के कलेक्शन सेंटर्स देखें तो कंपनी के अलग अलग लाइक कंट्रीज प्लस स्टेट मिला के कितने 1400 है। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। ओवरऑल कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की हम पूरा जो ओवरऑल बात ही अगर हम कर ले तो ओवरऑल इसका प्रोफाइल देखे तो बहुत ही अच्छा खासा कंपनी के अच्छे खासे क्लाइंट्स भी हैं। क्लाइंट्स के नेम मैं नहीं बता सकती बट लाइक कंपनी का अगर प्रोफाइल बाकी चीज़ें भी देखें तो बहुत ही अच्छी चीज़ें इसकी दी हुई हैं। लाइक जैसे कि अलग अलग इसमें अलग अलग कंपनीज भी इंगेज हैं कंपनी के साथ में भी। सो ओवरऑल कंपनी का प्रोफाइल बहुत ही अच्छा खासा दिया। अगर किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं बिफोर दैट कंपनी के लाइक बाकी चीज़ें भी आप देख लीजिए कंपनी किस तरीके से कंपनी का काम करती है। तो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। ओके, नेक्स्ट हमें कंपनी के डेटा के बारे में बात की जाए। कंपनी का अगर यहाँ पे आप मार्केट कैपिटल देखिए कितना दिया, 21,675 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। वही कंपनी का स्टॉक पी देखिए कितना 46.4 दिया। लाइक आपका जो स्टॉक पी मीन्स, आपको मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टॉक पी मीन्स क्या होता है। जैसे कि आपका करंट प्राइस कितना 287 चला है, 287 का पैसे जो दिए हुए इस पैसे के पीछे आप कितना 46.4 रुपीस आप पे करें, इट मीन्स क्या है ये जो स्टॉक यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ है इट मीन्स आप इतना पे करें, बट उतना पे करेंगे तो अभी तो आपको उतना रिटर्न मिलेगा। तो मेन क्या ये आपका स्टॉक पी दिया हुआ है। वही कंपनी का लाइक आप कंपनी का रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयड देखिए कितना दिया, 10.8% दिया हुआ है। वही कंपनी की डेप की बात, डेप कितना 1231 करोड़ का कंपनी के पास डेप दिया। ओवरऑल कंपनी ने अपना जो डेप धीरे रिड्यूस भी किया है बिकॉज कंपनी धीरे धीरे थोड़ा बहुत प्रॉफिट करेगा देखिए क्वार्टरली रिजल्ट से देखिए तो। ओके, वही कंपनी के लाइक इंडस्ट्री पे की बात, इंडस्ट्री पे कितना 33.4 दिया, जो कि एज कम्पेयर स्टॉक पे इंडस्ट्री पे हमें कम दिया, इट मीन्स क्या आप स्टॉक पे यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ है।
करंट प्राइस देखिए 287 के आसपास अभी फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू देखिए तो 92% दिया, जो कि अच्छा खासा कंपनी का बुक वैल्यू दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न इक्विटी देखिए मीन 6.12%, मीन्स क्या कंपनी धीरे जब कंपनी के लॉसेस नहीं हो रहे फिलहाल अगर देखे जाए, जैसे क्वार्टर रिजल्ट अगर हम लास्ट लास्ट के 3 या 4 क्वार्टर जो रिजल्ट दे कंपनी को प्रॉफिट ही हो रहे अगर देखे जाए तो। ओके वही कंपनी के वर्किंग कैपिटल की बात की जाए 73.8 करोड़ का कंपनी इतना जो है वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। वही कंपनी के प्रमोटर्स की बात की जाए, कंपनी की जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना जो स्टेक प्लेस पे नहीं है मीन्स बेचा नहीं है, इसलिए इसका जो प्लेस पे नहीं जो कि मेन जो है पॉजिटिव में ये पॉइंट आता है। कंपनी का भाई देखिए 325 है, इट मीन्स क्या 325 मीन्स क्या 300 जाने के चांसेस ज्यादा है ये मंथ के एंड तक, नहीं तो नेक्स्ट मंथ के जो 15 या 16 डेट है वहां तक ये चला जाएगा शेयर। ओके मीन्स जाने के चांसेस ज्यादा है बिकॉज ब्रेकआउट बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया अगर फिलहाल देखा जाए तो। डिविडेंड की बात की जाए कंपनी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रही है, क्यों? बिकॉज कंपनी को इतने प्रॉफिट नहीं हुए, बिकॉज कंपनी जो अपना भी लॉस जो है रिकवर कर रही है, जो कंपनी के फिर डेप्ट अपना डेप्ट जो रिड्यूस करी, कंपनी अगर आगे जाके अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली कंपनी जो डिविडेंड भी अनाउंस करेगी कंपनी। ये पेसली देखे तो 10 रुपीज या प्रोमोटिंग होल्डिंग देखे 31.2% दिया हुआ है। प्रोमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे कंपनी का देखे तो बहुत ही कम दिया कंपनी का प्रोमोटिंग होल्डिंग। आपको जो मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न जब एक्सप्लेन करूंगी तब मैं आपको बताऊँ कंपनी के यहाँ पे प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे कंपनी क्यों कम दिया हुआ है। वही कंपनी के टोटल असेट की बात की जाए टोटल असेट कितना दिया 12,278 करोड़ का मेरा टोटल असेट दिया हुआ है। ओवरऑल कंपनी के डेटा के बेस पर तो कंपनी शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कंपनी है। कंपनी इवन आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे अच्छी खासी क्वांटिटी लेके बाय करके देन डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है आपको। तो ये था कंपनी का क्या था कंपनी का ये डेटा था। ओके नेक्स्ट अभी कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स की बात कीजिए। कंपनी का स्टॉक भी देखिए कितना 3.12 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू कंपनी का जो स्टॉक है ट्रेडिंग हो रहा है। वही कंपनी के लिए अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें लास्ट 5 में कितना आया है 4.57% यहाँ पे कंपनी का जो मीन्स क्या है इतने जो है कम हुआ है, इतना प्रॉफिट जो है कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ जो रेवेन्यू ग्रोथ था कम आया हुआ है। कंपनी लाइक रिटर्न इक्विटी देखिए जो प्रॉफिट हमारा होता है मेन यहाँ पे 2% कम है लास्ट 3 ईयर्स से। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीएफ कंपेरिजन की बात की जाए फोर्टिस हेल्थ केयर का देखे 287.10 के आसपास से ट्रेड हो रहा है अगर देखा जाए तो। एंड कंपनी के लिए बाकी के डेटा भी देखिए क्वार्टर रिजल्ट भी देखे पॉजिटिव में दिए हुए हैं। यहाँ कंपेरिजन में अदर भी कंपनीज दी हुई जैसे कि डॉक्टर लालपत लैब है, ये ट्रेडिंग करने के लिए अच्छी खासी कंपनी लाइक जो भी ऑप्शन है फ्यूचर में जो ट्रेड करते हैं इवन इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक है कंपनी है, इसमें भी आप ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखें सबसे जो लोवेस्ट प्राइस में आपको जो शेयर मिला अच्छा खासा वो फोर्टिस हेल्थ केयर ही है। सो इट्स बेटर कि आप इसमें ही आप इन्वेस्टमेंट कर दे फॉर द लॉन्ग टाइम एंड शॉर्ट टर्म के लिए आपके ऊपर डिपेंड करें आप कितना टाइम के लिए इसको होल्डिंग करना चाहते हो, आपको डेफिनेटली इसमें रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो ये था कंपनी का पीयर कंपेरिजन। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट की बात की जगह पे क्वार्टर रिजल्ट भी अगर हम पे देखें लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट सो कंटिन्यूअसली कंपनी के क्या रेवेन्यू जो बढ़ते गए हैं। इवन सितंबर में देखें तो 1,607 करोड़ कंपनी का क्या कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था। एक्सपेंसेस देखें तो 1,304 करोड़ कंपनी एक्सपेंसेस हुआ है। ओपनिंग परसेंटेज भी देखें तो 90% दिया जो कि देखा 2% बढ़ गया एज कम्पेयर लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट। सो कंपनी की जो धीरे जो ओपनिंग परसेंटेज वो भी बढ़े हैं इवन अगर नेट प्रॉफिट भी देखें अगर आप यहाँ पे तो अगर आप जैसे कि ये जो है सितंबर 2021 से कंपेयर करें तो कंपनी का लगातार जो प्रॉफिट है बढ़ता ही गया है, भले थोड़े बहुत बीच में प्रॉफिट से कम हुए थे जैसे कि मार्च 2022 में, बट कंपनी ने वापस प्रॉफिट जो रिकवर किया। एंड अभी देखा जाए तो 218 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, इट मीन्स का कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है क्वार्टर रिजल्ट्स इसके अच्छे खासे आ रहे हैं। सो मेरे हिसाब से भी कंपनी जो शॉर्ट टर्म कंपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी खासी कंपनी है ये। सो ये था कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स। यस नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की अगर आप ईयरली बेसिस पे देखें तो 2011 से लेके अगर 22 तक का देखें सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आया है वो 2022 में 5,718 करोड़ का। एंड यहाँ पे एक्सपेंसिस देखें तो 4,649 करोड़ का हुआ जो कि देखा जाए सबसे ज्यादा जो है 2022 में कंपनी एक्सपेंसिस हुए हैं। एंड यहाँ पे कंपनी के लिए ओपन परसेंट भी देखें तो 9% बढ़ गया एज कम्पेयर लास्ट ईयर से कंपनी का जो प्रॉफिट जो ओपन परसेंट बढ़ गया है। यहाँ पे प्रॉफिट भी अगर आप देखें सो 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट था नेगेटिव था कितना -56 करोड़ का कंपनी को लॉस था, अभी देखें 790 करोड़ का। इट मीन्स क्या है कंपनी कब प्रॉफिट कर जाए कब उसका ग्रोथ आ जाए ये हमको पता नहीं चलता है। हमको कब पता चलता है जब कंपनी की शेयर प्राइस किसके जब भाव बढ़ जाते तब मालूम पड़ता है, अभी किससे या फिर किस न्यूज आ गया या फिर किसी फ्रेंड ने बताया तभी हमको मालूम पड़ता है, तो हमको नहीं मालूम पड़ता है ये।
बट मैं आपको बता रही हूँ अभी इसका जो फ्यूचर है ना बहुत ही अच्छा खासा, बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसका। सो अभी फिलहाल अगर इसको आपका शेयर, आपको जो इसका शेयर बाय करना चाहिए इसी वाली क्वान्टिटी में, आगे जाके ये जो कंपनी आपको अच्छा खासा आपको रिटर्न देने वाली है, सो फिलहाल आपको बाइंग पोजिशन आपको इसमें बनानी चाहिए। एंड मैं आपको बताऊँ कहाँ पर शेयर बाय करना है, कहाँ तक ये शेयर जो है जाने के चांसेस ज्यादा है ये मंथ के एंड तक। ओके सो आपको बताऊंगी मैं। सो फिलहाल देखिए 790 करोड़ की कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। वही कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, जैसे कि मैं बता रही थी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में आपको कुछ बताने वाली। कंपनी की जो जो प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखे तो कंपनी के बहुत ही कम दिए हुए हैं। क्यों दिए हैं? तो कंपनी के जो प्रमोटर्स थे कौन थे? शिवेंदर सिंह एंड मलविंदर सिंह। इनकी अगर बात की जाए तो ये लोग ने कंपनी की कंपनी स्टार्ट की थी 1996 में। देखा जाए तो इनका जो स्टेक था कितना, 34% का स्टेक था। लाइक इनका जो स्टेक उन्होंने लिया था एंड अगर देखा जाए 1996 में इतना था इनका स्टेक। बट उसके बाद कंपनी की जो ये जो प्रमोटर्स में डिक्रीज मीन्स कम हो, क्यों कम हो गए? बिकॉज कुछ ऐसे ह्यूज पर्सनल डेब्ट थे कंपनी का, लोन था एंड लिटिगेशन की वजह से कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पड़े लाइक रिड्यूस हो गया less than 1%, जिसके कारण कंपनी का प्रमोटिंग शेयर यहाँ पे कम हो गया है। एंड कंपनी के अगर देखा है 2018 में नवंबर में ही कंपनी के एक नए प्रमोटर्स आए थे एंड बिडिंग में उन्होंने जीता था। कंपनी के नए प्रमोटर कौन थे? एच मीन्स क्या था, IHH हेल्थ के BHT, इन्होंने ये जीता था बिडिंग जीता था। एंड अभी के नाम पे देखा तो न्यू प्रमोटर हैं ये कंपनी के। अगर देखा तो उन्होंने 4000 करोड़ में उन्होंने स्टेक बाय किया था। कितना स्टेक है कंपनी में इनका? 3.70% का स्टेक है इसका। IHH हेल्थ केयर BHT ये जो ग्रुप है इनका। एंड अभी के टाइम पे देखा जो मेन जो है ये कंपनी क्या एक इनका जो मेन अगर रोल देखा जाए कंपनी के मेन एक कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स माने जाते हैं विथ मेजोरिटी ऑफ बोर्ड डायरेक्टर मीन्स बोर्ड कंट्रोल के हिसाब से देखा जाए तो। एंड अभी के टाइम पे देखे सो IHH जो हेल्थ केयर जो प्रमोटर है किसकी? फोर्टिस हेल्थ केयर की। तो IHH हेल्थ केयर कौन है? ये एक मलेशियन की एक सिंगापुर की प्राइवेट हेल्थ केयर ग्रुप मानी जाती है। एंड IHH हेल्थ जो कंपनी है ये ना, ये ग्रुप है ये जो, ये एशिया की एक लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ केयर ग्रुप मानी जाती है, जहाँ पे बहुत ही फेमस है ये ग्रुप। तो इन्होंने क्या किया, स्टेक बाय किया है 3.17% में अगर फिलहाल अभी देखा जाए तो। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग। ओके तो मेन ये सारी जो रीजन है मेन प्रमोटिंग शेयरिंग के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें मेन इन्फॉर्मेशन थी। FIS ने यहाँ पे देखे 13.59% दिया है, DIS ने यहाँ पे देखे 20.02% दिया है, एंड पब्लिक देखे 18.22% दिया हुआ है। पब्लिक शेयर ने देखे तो बहुत ही कम दिया हुआ है। पब्लिक को आजकल क्या चाहिए, कम प्राइस में ज्यादा पैसे इनको कमाने हैं अभी के टाइम पे जो अगर देखा जाए तो। सो फिलहाल आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर कोई शेयर आपको 200-300 रुपये में अगर मिल रहा है तो आप उसमें पैसा लगाइए, शॉर्ट टर्म में आपको उसमें रिटर्न आपको मिल जाएंगे। ये नहीं बोल रही कि कंपनी लाइक कंपनी लॉस में जा रही है, 200-300 का शेयर है। बाकी चीजें भी देखिए, बैकग्राउंड देखिए, टेक्निकल देखिए, फंडामेंटल देखिए, देन इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप ऐसी कंपनीज में मत भी जिसका 2-3 रुपये का शेयर आप बाय कर लेते अच्छी खासी क्वान्टिटी में लेके रख लेते। मेन क्या होता है, जो 200-300 का शेयर है कोई भी कंपनी हो, आप प्रॉपरली चार्ट देखिए, डे वन पे कैंडल लगाइए, 15 मिनट का चार्ट लगाइए, अब देखिए उसमें जो है बाइंग सेलिंग अगर प्रॉपर होगी, प्रॉपर कैंडल फॉर्म होंगे, तभी आप उसमें आपको घुसना, तभी आपको उसमें जो है बाइंग पोजीशन बनानी है। बिकॉज किसी भी शेयर्स में अगर प्रॉपर बाइंग सेलिंग होगी तभी आपको एक रिटर्न मिलता है, अदरवाइज आपको रिटर्न उतना नहीं मिलेगा। अगर आप 200-300 का शेयर बाय कर रहे हैं उसमें लाइक डे में या फिर वीक वाइज या फिर मंथ वाइज में उसमें बाइंग सेलिंग ही नहीं हो रहा है, वो उतने भी अटका पड़ा है पैसा, तो वैसे ही कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आप कीजिए ही मत। प्रॉपर जो है अगर इनलिक्विड जो लिक्विड स्टॉक जो होते हैं जिसमें लाइक थोड़ा बहुत मोमेंटम नहीं रहता, नहीं प्रॉपर बाइंग सेलिंग कभी नहीं होती, साल में महीने में कभी कभार उसमें बाइंग सेलिंग होती है, हमें मोमेंटम देखने को मिलता है, जैसे कि आप न्यूज़ वगैरह फिर आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं कि ये लाइक 12 रुपये का शेयर है आज इतना रुपया गया है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका बहुत ज्यादा पैसा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो या फिर लाइक खुद के पैसे से ऐसे चीजें हुई हैं ये, लाइक खुद के पैसे से लोग बाय भी करते हैं देन सेल भी कर देते हैं, उतना पैसा लगाते हैं जहां पे उनको क्या प्रॉपर एक बाइंग सेलिंग में उनको एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाता है, तो उसके कारण ही आपको मोमेंटम देखने में मिलता है, उसके कारण कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है, कुछ लोगों को लॉस होता है। सो इट मीन्स बोलने का मतलब यही, अगर कंपनी में प्रॉपर बाइंग सेलिंग हो रही है, 15 मिनट का चार्ट लगाइए, प्रॉपर बाइंग सेलिंग हो रही है,
कैंडिडेट अच्छे खासे फॉर्म हो रहे हैं, देन तभी आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अदरवाइज इसमें लिक्विड जो स्टॉक है उसमें आपको नहीं घुसना है। आपको ये पहले आपको ये दिमाग में आपको बैठा लेना है कि ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर आप जा भी रहे हैं तो आपको ज़्यादा अमाउंट में आपको पैसा उसमें नहीं डालना है। कम अमाउंट में आप बाइंग कीजिए, थोड़ा बहुत शेयर लीजिए एंड लॉन्ग टर्म के उसको रख दीजिए, ओके, देन आपको रिटर्न आपको मिल जाएंगे। कोई भी कंपनी हो, ये नहीं कि आपको लॉस देगी, हर एक कंपनी आपको रिटर्न देती, बड़े थोड़ा बहुत रिटर्न दे, बट आपको रिटर्न देगी, 1, 2, 3, 4, 5 साल में कभी भी आपको रिटर्न देगी ही देगी वो कंपनी, ओके। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बात, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो। तो बेसिकली कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, आई नो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के समझाने के पीछे बहुत सी चीज़ें मैं समझा देती हूँ, बिकॉज वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो, ओके। सो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट हमें कंपनी के लाइक फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी के रेवेन्यू देखें, तो 19 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा बट लॉस हुए, 20 में देखिए रेवेन्यू बढ़ा देन प्रॉफिट हुआ थोड़ा बहुत 0.0 करोड़ का, देन 21 में देखिए कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा बट लॉस हुआ 0.11 करोड़ का, 22 में देखिए प्रॉफिट हुआ प्लस रेवेन्यू भी आया। तो यहाँ से मेजर कंपनी का मेजर रोल प्ले होता है, कंपनी जो है 2023 रहेगा, अभी जो चल रहा है करंटली इसमें आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अभी जो न्यू जो क्वार्टर जो रिजल्ट निकल गया डेफिनेटली एक अच्छा खासा उसमें आपको रिटर्न आपको देखने में मिलेगा, प्रॉफिट आपको देखने में मिलेगा, कंपनी जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी कर रही है फिलहाल अगर देखा जाए तो। सो अभी फिलहाल आपको इसमें आपको बाइंग पोजिशन आपको बनानी चाहिए। सो नेक्स्ट चलते हैं, अभी मैं आपको इसमें क्या प्रॉपर आपको बाइंग प्लस रेजिस्टेंस प्लस सपोर्ट लेवल आपको बता देती हूँ, ओके। सो जस्ट अ सेकंड, या आई थिंक सो पूरा चार्ट पूरा विजिबल होगा। तो 287 के आसपास का क्लोजिंग हुआ है 5 जैन को, कितना परसेंट अप गया था, 1.36% अप गया था। लास्ट अगर मैं मंडे से परफॉर्मेंस देखूँ तो ये लगातार अप ही जाता जा रहा है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसका मैं फंडामेंटल करूँ बट मुझे आज के दिन टाइम मिला तो मैं प्रॉपर इसका फंडामेंटल करके आपको बता रही हूँ मैं। तो फिलहाल आपको 288 के आसपास आपको बाइंग करना है, 287 पर क्लोजिंग है, 288 के आसपास आपको बाइंग करना है। सपोर्ट कितने का लेना है, 281 का, ओके, सपोर्ट 281 का लेना है, बिकॉज क्यों, वहां से अगर आपने देखे तो 218 के आसपास जैसे ही हुआ ये नीचे गया है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से भी नीचे गया है, बहुत सी जगह पे ऐसे जगह में नीचे गया है। सो ये मेन लेवल है आपका, ओके, वहां से नीचे जाता है एंड कुछ लेवल जो ये जो लेवल है, जैसे कि आपको बता दें ये जो लेवल है यहाँ से ऊपर गया। सो अभी क्या इसका जो है मोमेंटम अगर आप देखें, सो ये डे वाइज से मैंने कैंडल लगाया, डे वाइज पे देखे जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप मैं देखूँ 3 से 4 वीक से कंपनी का जो परफॉर्मेंस अपसेंट जा रहा है, इट मीन्स क्या कंपनी के जो चांसेस ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस हैं अभी। सो 298 तक इसके जाने के चांसेस है ये मंथ के एंड तक, ओके। तो फिलहाल आपको इसमें बाइंग पोजीशन आपको बनानी चाहिए एंड अच्छा खासा प्रोटेंस मिल सकता है इसमें। तो आई थिंक सबके जो डाउट हैं क्लियर आउट हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।